जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आज बहुत दिन बाद हमने ब्लॉग डालने की कोशिश की है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और गोरा 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 उठो। चलो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे। सबको बोलो आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ज़रा लाइट जला दो हमारे लिए, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। तो आज है गौरा की छुट्टी, लेकिन क्यों क्यों है छुट्टी आज? आज आज है आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है। आज डीएम ने छुट्टी दे दी है क्योंकि आज बहुत ठंड पड़ रही है, बादल हो रहे हैं और बारिश हो सकती है, इसलिए ठंड पड़ रही है। इसलिए बच्चों के लिए गौरा भी अभी रजाई में बैठी है, अभी सो के भी नहीं उठी है गौरा, है ना? हाँ, बहुत ठंड पड़ रही है इसलिए छुट्टी हो गई है। गोदी अभी दूसरे रूम में है और वो भी लेटा ही हुआ है। उठ तो गए हैं सब लोग, लेकिन ठंड इतनी है कि किसी का रजाई में से निकलने का मन नहीं कर रहा है। अभी हम लोग जस्ट उठेंगे और नहाएंगे और पूजा करेंगे और फिर गौरा ब्रेकफास्ट करेगी, है ना? और कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं। आज आपके लाइट नहीं है? ओहो, आज तो ठंड के दिन में लाइट भी नहीं है, तो हमें नहाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, नहीं नहाना तो पड़ेगा, जब लाइट आएगी तब नहाना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम हो गई तो गैस पे रखना पड़ेगा पानी, है ना? मम्मा गौरा, हाँ। जब हम लोग छोटे थे हमारी नहीं छुट्टी पड़ती थी डीएम के ऑर्डर पे, क्यों गाइस, है ना? पता है जब हमारा टाइम था हमारे टाइम पे नहीं छुट्टी पड़ती थी, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए हम लोगों को स्कूल जाना ही पड़ता था, पर गौरा की गोली के टाइम पे छुट्टी पड़ जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। जब आपको ना जब आपके यहाँ भी बारिश आई है कभी? हमारे यहाँ तो रोज आती है, पर कभी कभी आती है बारिश। हाँ, अभी कहाँ आती है बारिश? हाँ, थोड़ी कभी कभी आती है, हमारे आती है कभी कभी। हाँ, आने वाली है बारिश, फिर स्नोफॉल होगा नैनीताल में, है ना? हाँ, फिर पापा मुझे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? स्नोफॉल में। अच्छा, अब मम्मी भी जाएंगी स्नोफॉल। मम्मी भी जाएगी? नहीं, मम्मी को तो ठंड लगती है, पूरा पैक होके जाना ना। पैक होके? अच्छा, और ब्रेकफास्ट में क्या खाएगी गौरा? आज मैं खाऊंगी पोहा। पोहा? अच्छा, चलो मिलते हैं हम बाद में फ्रेश होके ब्रेकफास्ट टाइम में। बाय बाय। तो फाइनली मैं नहा ली हूँ, बहुत ठंड हो रही थी, लाइट भी आ गई थी, पानी गर्म हो गया था, तो मैं नहा ली हूँ। अभी सब लोग लाइन में लग रहे हैं क्योंकि लाइट आ जा रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है, शायद आपके यहाँ पे भी ऐसा ही मौसम हो रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा, कहीं धूप निकल रही होगी, आज सब जगह ऐसा ही मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं, कोहरा नहीं है बादल है, लेकिन ठंड बहुत है, लेकिन नहा के इतना ठंडा नहीं लग रहा, अभी ठीक लग रहा है नहा के, नहीं तो जब तक नहीं नहाए तब तक ऐसा ही रहता है, मौसम ऐसे ही हो रहा है ठंडा। और गौरा अभी तक रजाई में ही बैठी है, उसका नहाने का भी मन नहीं है, देखती हूँ नहलाती हूँ नहीं नहाती उसे, तो कवर कर देते हैं गौरा अभी तक, लेकिन गौरा का भी मैंने कपड़े कवर्ड कर दिए पूरे। पापा भी रजाई में ही हैं, पापा को भी ठंड लग रही है। मोबाइल नहीं ले, और यहाँ पे पोछा लग रहा है, तो फैन चल रहा है, और गोली अभी तक सो रहा है, गोली अभी तक सो रहा है। मुँह का है तेरा? अबे, ये रहा गोली, इसकी अभी थोड़ी तबीयत खराब है, तबीयत थोड़ी खराब है, कह रहा है बंद करो इसको, 10 बज रहे हैं और इसको अभी तक उठने का मन नहीं है। चलो मैं करती हूँ अब पूजा, पूजा का टाइम हो गया। सो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मेरा हो गया था आटा खत्म, पहले मैंने आटा बनाया अपना, इसको छान लेती हूँ आटे को, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल चीज, पुलाव के पराठे। पुलाव के पराठे रात हमने बनाया था पुलाव, तो कभी जब बच जाता है तो मैं उसको
आटे में, मतलब जैसे आप आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे खाते हैं, ऐसे पुलाव के पराठे बनते हैं, टेस्टी होते हैं, और चटनी के साथ, चाय के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहो उसके साथ खा सकते हो। तो चलो मैं उसी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। पहले आटा गूंथ लेती हूँ। मैंने ये आटा गूंध लिया है। नॉर्मली आप कोई अजवाइन, नमक, अगर आपके पास कसूरी मेथी वो भी डाल के अच्छे से गूंध लीजिए। और मैंने पुलाव भी निकाल लिया अपना थोड़ा सा कटोरी में। और वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप यूज़ में लाएं। तो मैं तो सर्दियों में वैसे भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, तो मैं तो सर्दियों में कुछ ऐसी चीज़ें ही करती रहती हूँ जैसे कि वेस्ट ना हो और हम लोग अच्छे से खा लें। तो ये मैंने पुलाव ले लिया है। अब आपकी चॉइस है कि आप इसमें और एक्स्ट्रा मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जब पराठों में गूंधेगा तो नमक मिर्च थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए। मैं भी थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ जिससे कि बाद में स्वाद में कमी ना रह जाए पराठे की। गौरा गई है ब्रश करने, बड़ी मुश्किल से उसे ब्रश कराया है, उसका मन ही नहीं था ब्रश करने का भी, उठने का मन नहीं था उसको, ज़बरदस्ती उठाया मैंने उसको, बोली ना ब्रश कर लिया है। गौरा आ गई ब्रश करके। कर लिया? पक्का? गाइस देख रहे हैं सब लोग, कहेंगे ये लड़की ब्रश नहीं करती है, और नहाना भी आज। हाँ, ऐसे करने से क्या होता है, किसी को स्मेल थोड़ी आ रही है। टीथ दिखाओ अपने, साफ है, दिखाओ। हाँ, नहाना भी आज, ठीक है? हाँ, तभी गुड गर्ल बनेगी। ब्रेकफास्ट बस बना रही हूँ, और बच्चों की डिमांड है, वो ये पराठा नहीं खाना चाहते, क्या खाना चाहते हैं? मैगी। इसको दिखा दे गौरा को, गौरा क्या कह रही है? मैगी। मैगी खाना चाहते हैं, इन लोगों का मन नहीं है। गोली का भी थोड़ा स्वाद खराब हो रहा है, तो वो भी मैगी खाएंगे, तो इसलिए कह रहा है मैगी खाना है। तो इसलिए इन दोनों बच्चों के लिए मैं मैगी, काफी दिन से, वैसे तो मैगी हेल्दी नहीं होती है लेकिन कभी कभी चलती है बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। कभी काफी दिन से रोटी चावल सब्जी यही खा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अच्छी है, इनके लिए थोड़ी थोड़ी मैगी बना देती हूँ, दोपहर में फिर इनको लंच करा दूंगी। चलो मिलते हैं बनाने के बाद, बाय बाय। सो ये तैयार हो गया मेरा टेस्टी टेस्टी पराठा, और बहुत ही क्रिस्पी होता है ये, आप कभी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ बच्चों की बन गई है नूडल्स, जूसी नूडल्स, ये बच्चों को जूसी पसंद है, ड्राई नहीं। और यहाँ पर बन रही है चाय की, डिमांड आई है चाय की, चाय के साथ पराठे। बच्चे देख रहे हैं टीवी, अब मैं जाके देख के आती हूँ। फिर सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट किया, मैंने भी पुलाव का पराठा खाया जो कि काफ़ी टेस्टी बना था। मैंने चाय नहीं ली थी क्योंकि चाय से मुझे प्रॉब्लम होती है, सो बड़ा अच्छा था। फिर थोड़ी देर बाद गौरा यहाँ पे अपना खेल में लग रही थी, और गोली भी बैठा था टीवी देखने के लिए, लेकिन मैंने बंद कराई, मैंने उसको पढ़ने के लिए बोला थोड़ा, तो अभी उसको खांसी भी बहुत हो रही है। तो गाइस अब हो गई है रात, और रात के बज रहे हैं, गौरा क्या टाइम का हो रहा है? 10 o'clock, और सब सो गए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है बाहर, और रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं। और बाहर बहुत फॉग हो रहा है, फॉग तो नहीं हो रहा, बादल हो रहे हैं, और ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, है ना। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, आज हम पूरे दिन कंबल, रजाई, चाय, बस इसी में लगे रहे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी, कहीं बाहर नहीं गए। गौरा गई थी थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर, क्योंकि गौरा का मन घर में नहीं लगता है ना गौरा, और गौरा को ठंड भी नहीं लगती है, है ना? बहुत तेज लगती है। क्यों, झूठ कहाँ लगती है, ठंड खेलने तो जाती है। और गोली भैया वहाँ सो गया है अपने रूम में, हम लोग बस जाग रहे हैं। तो हमने सोचा अपने ब्लॉग का एंड कर देते हैं, तो मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में। गौरा मिलेगी अगले ब्लॉग में? हाँ मिलेगी, ठीक है। तो अब हम सोते हैं, बाय, गुड नाइट। हाँ तो आटा।